I go to gym and have my normal healthy diet. That's it. अब तो बच्चे ही ख्याल रखते हैं। मिसेज योगा कराती हैं, कभी-कभी कर लेता हूं उनके साथ। यार अब लड़कों का तो पता नहीं, लड़कियां लेती भी और देती भी बहुत ज्यादा है स्ट्रेस, ये बात तो पक्की है। मेरे ख्याल से ये महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों को नहीं। Just don't take stress. Simple. और मुझे लगता है कि आजकल तो ये एक फैशन सा हो गया, स्ट्रेस नहीं लो तो लोगों को लगता है कि वो बिजी नहीं है, तो जस्ट डोंट टेक इट। इन सब चीजों पे फोकस करना ही बेकार है। नहीं, वो फैमिली में डिस्कस नहीं करता मैं, अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, उनको चिंता में नहीं डालना चाहता। पहले तो मैटर वो करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ही डील कर लेता हूँ, पर बड़ी होगी तो फिर किसी से तो डिस्कस करूँगा, फ्रेंड्स फर्स्ट पर फैमिली के साथ नहीं। Yes, it has been an issue for me in the past, but lately I have realized that I have a family, I have to be for them. अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, जब पड़ेगी देखा जाएगा। यार ये सब तो मम्मी पापा चेक करवाते हैं, हम थोड़ी करवाते हैं। आई थिंक 6-8 महीने तो हो गए। अरे ये क्या पूछ लिया, ये इंटरव्यू तो मेरे मॉम डैड भी देखेंगे। आई थिंक दैट्स अ बिट पर्सनल। मैं तो सिर्फ 30 का हूं, ये सब चीजें बुढ़ापे में होती हैं। Yes, I've had this issue before, and later I realized that I should have been to a doctor much earlier. भाई ये सब बातें दोस्तों से कौन करता है? अरे भाई देखिए हमारे घर में ये सब बातें नहीं होती। मैंने हमेशा यही सोचा कि अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपनी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व ना करूं और उनको अननेसेसरीली परेशान ना करूं।